दिस इज़ विनर और आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज हम कैसे क्रिएट करते हैं। फेसबुक पेज क्रिएट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज में क्या डिफरेंस है। सेकंड, फेसबुक यूजर नेम हम कैसे चेक करते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं। फेसबुक अकाउंट यूजर अपनी पर्सनल नीड के लिए बनाते हैं। फेसबुक पेज तब क्रिएट करते हैं जब किसी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन को फेसबुक पर प्रेजेंस शो करने की नीड होती है। ये फेसबुक अकाउंट है, राइट? फेसबुक अकाउंट में आपको अपने फ्रेंड से कनेक्ट होना है तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है, जबकि आपको किसी फेसबुक पेज से कनेक्ट होना है तो उसको लाइक करना होता है। यूजर नेम क्या होता है? जो भी आपकी पेज का पब्लिक URL बनता है। जैसे यहाँ पे मेरे पेज का नाम है facebook.com/binaranaindia, तो ये जो बिनराना इंडिया है ये यूजर नेम है। क्लियर? फेसबुक पेज क्रिएट करने से पहले हम यूजर नेम कैसे चेक करेंगे कि वो अवेलेबल है या नहीं, तो आपको ओपन करना है namechk.com। ये एक ऑनलाइन टूल है जिसकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है अपना यूजर नेम जो भी आप रखना चाहते हो। देन उसके बाद आपको क्लिक करना है इस सर्च आइकन पे। ये टूल विद इन सेकंड में आपको बता देगा कि ये यूजर नेम किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या नहीं। जैसे आपको यहाँ पे फेसबुक आइकन पे दिख रहा है ये ग्रीन कलर, इसका मतलब है कि फेसबुक पे ये यूजर नेम अवेलेबल है, इससे आप पेज क्रिएट कर सकते हैं। ट्विटर पे जो ये आपको ब्लैक कलर से शो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है, देन क्लिक करना है पेज टैब, देन क्लिक करना है क्रिएट न्यू पेज। यहाँ आपको अपने पेज का नाम देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपका क्लोथ का स्टोर है तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे क्लोथ, देन क्लिक करेंगे क्लोथ स्टोर। देन इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन में आप 255 करेक्टर ऐड कर सकते हैं। राइट पैनल में आपको प्रीव्यू दिखेगा, जो भी चीज़ें आप ऐड करते जाओगे वो आपको यहाँ पे शो होती जाएंगी। डेस्कटॉप पे प्रीव्यू इस तरह से होगा। यदि आपको मोबाइल पे देखना है तो उसके लिए आपको इस मोबाइल आइकन पे क्लिक करना है, तो मोबाइल पे प्रीव्यू आपको इस तरह से दिखेगा। देन इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पेज। देन इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, तो जो बिजनेस का आपका लोगो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको अपना लोगो सेलेक्ट करना है, देन ओपन करना है। तो जैसे आप इमेज ऐड करोगे ये आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कवर फोटो ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, तो प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यदि आप प्रोफेशनल फेसबुक कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कैनवा का यूज कर सकते हैं। यदि आपको कैनवा यूज करना नहीं आता है तो उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। देन आपको क्लिक करना है सेव। तो इस तरह से हम फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। अभी क्या है, इस फेसबुक पेज का जो पब्लिक URL है वो इस तरह से आपको दिख रहा है। यदि आप चाहते हो कि facebook.com/demologicsa ये ID पास ना हो, तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा क्रिएट यूजर नेम। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है डेमोलॉजिक्स। ये हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये अवेलेबल है या नहीं। देन क्लिक करना है क्रिएट यूजर नेम, देन करना है डन। अब यदि आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये आपका यूजर नेम सेट हो गया। तो आपका जो पब्लिक URL हो गया facebook.com/demologicsa। अब मैं आपको इसकी बाकी फंक्शनैलिटी के बारे में बता देता हूँ। यदि आप अपने पेज पे कोई बटन ऐड करना चाहते हैं तो आप बटन ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा ऐड बटन। तो आप अपने बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंड मैसेज। यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन आपको क्लिक करना है सेव। यदि आप अपने फेसबुक पेज की कोई भी इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा एडिट पेज इन्फो। तो यहाँ जैसे आपको नाम चेंज करना है या यूजर नेम चेंज करना है, या आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है या व्हाट्सअप नंबर ऐड करना है, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं, अपने ऑफिस का एड्रेस ऐड कर सकते हैं, राइट? आपकी जो सर्विस एरिया है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, लोकेशन, जो आपके बिजनेस आवर हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पेज के बारे में अपडेट करनी है तो वो आप यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप नया फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके पेज के लाइक इंक्रीज हो जाएंगे। यदि आपको 1x1 करना है तो एक एक करके आप इन्वाइट कर सकते हैं। यदि आपको सारे फ्रेंड्स को एक साथ इन्वाइट करना है तो आप सेलेक्ट करके सबको एक साथ इन्वाइट कर सकते हैं।
यदि आपको फेसबुक पेज पे अपने पोस्ट क्रिएट करनी है या कोई वीडियो ऐड करने है, राइट, तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट पोस्ट। ये सिंपल वैसा ही है जैसे आप अपने पर्सनल अकाउंट से कोई पोस्ट या वीडियो ऐड करते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।